अब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या अंतर होता है? मान लीजिए आपने घर बनाया, समझना बात को, आपने एक घर बनाया, वो आपका कैपिटल एसेट था, हाँ या ना? लेकिन उस कैपिटल एसेट को आपने बेच दिया, तो क्या हुआ? उस कैपिटल एसेट से जो इनकम आएगी वो कैपिटल रिसीट होगी, हाँ या ना? लेकिन मान लीजिए कि अब गवर्नमेंट का कोई लॉज है, होटल है, उसमें डेली कोई रुक रहा है, डेली कुछ ना कुछ इनकम हो रही है, तो वो उसकी रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। आसान भाषा में, आपने जो घर बनाया है, घर को बेचोगे तो कैपिटल रिसीट में आएगा, घर का भाड़ा किसमें आएगा? रेवेन्यू रिसीट में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, जितनी भी गवर्नमेंट के होटल्स हैं, IRCTC के होटल्स हैं, तो ये होटल अपने आप में कैपिटल एसेट है। इन होटलों को आप डिसइन्वेस्ट कर दो, बेच दो किसी दूसरे के हाथ में, तो वो उससे जो पैसा निकलेगा वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। LIC का जो IPO आ रहा है, LIC में जो गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है, वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कि LIC जो है वो LIC का कोई LIC हाउस है, उसमें LIC ने जो है वो किसी फूड वेंडर को किराए पे कुछ दे रखा है, तो उससे जो मंथली इनकम होगी वो रेवेन्यू रिसीट में जाएगी। तो पहले आप ये समझ लो कि जो आपका रेवेन्यू और कैपिटल है उसमें बेसिक डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का।